वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम डिबरी और जो नट्स नट एंड बोल्ट की अगर हम बात करें, जो हमने चैप्टर इससे प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था नट्स एंड बोल्ट्स में क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो नट्स एंड बोल्ट्स में आज हम ड्राॅइंग कम्प्लीट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले नट्स की ड्राॅइंग करेंगे, उसके बाद हम बोल्ट जो होते हैं बोल्ट की ड्राइंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फाउंडेशन बोल्ट की भी ड्राइंग करेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर की वजह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें, हम देखते हैं जो हमें नट की ड्राइंग करनी है। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, नट्स की ड्राइंग करेंगे, और नट में भी कौन से, हेक्सागोनल नट के बारे में। आज हम इस लेक्चर में हेक्सागोनल नट की ड्राइंग करेंगे, ठीक है। हेक्सागोनल नट की ड्राइंग करेंगे, उसके बाद स्क्वायर नट की भी आज ड्राइंग करेंगे। देखते हैं इसका डायग्राम। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर एक नट दिया हुआ है। इस नट की अगर हम बात करें, इसके कितने फेस होते हैं, एक दो तीन फेस ही होगा और तीन फेस पीछे होते हैं, टोटल छः फेस होते हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है, हेक्सागोनल नट होता है, षटभुजाकार नट, क्योंकि छः भुजाएँ हैं। और इसके अंदर वाली सतह पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। वो जो चूड़ी बनी है उसकी अगर हम बात करें, हम नॉमिनल डायमीटर जो होता है हमारा, इसका नॉमिनल डायमीटर मतलब पिच व्यास जो होता है वो होता है कैपिटल डी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो हमारा नट होगा उसका जो व्यास होगा वो व्यास कहाँ से होगा, अंदर का व्यास होगा, ठीक है। पिच व्यास होता है, मतलब किससे भी चूड़ी की अगर बात करें, चूड़ी का जो व्यास होगा वो क्या होता है, पिच व्यास होता है, कैपिटल डी। या फिर नट का व्यास क्या है, वो हमारा यही वाला व्यास होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी ड्राइंग की। तो ड्राइंग बनाते समय सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू सामने से देखकर, फिर बनाएंगे इसका साइड व्यू, और फिर बनाएंगे इसके टॉप व्यू। तो हमको तीनों व्यू बनाने हैं, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट व्यू बनेगा हमारा, ठीक, और फ्रंट व्यू यहाँ पर बन जाएगा। फिर जैसे हम इसे ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखने पर क्या बनेगा, इसका ऊपरी दृश्य बनेगा मतलब टॉप व्यू, और इसे साइड से देखेंगे तो इसके यहाँ बन जाएगा पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू। तो आपको तीनों व्यू बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो ये तीनों हमें व्यू बनाने होते हैं इसमें। अगर आपका इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि जो नट दिया है, आपको नट का डायग्राम दे देगा क्वेश्चन में, और आपको इसमें चार ऑप्शन दे देगा। जैसे आपसे क्या कहें, इसमें पहचानिए इसका सही सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू कौन सा है। तो सही फ्रंट व्यू पहचानने के लिए आपको फ्रंट व्यू पता होना चाहिए क्या होता है, फ्रंट व्यू कैसे बनता है, और साथ में डायमेंशन को आपको चेक करना आना चाहिए, डायमेंशन किसकी कैसे इसमें हम बनाते हैं। तो डायमेंशन अगर आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि डायमेंशन में वो डिफरेंस दे देगा, किसी के डायमेंशन कुछ और, किसी के डायमेंशन कुछ और, लेकिन डायग्राम दिखने में सेम होंगे। तो आपको डायमेंशन ही पता होना चाहिए, ये एंगल ही पता होना चाहिए, एंगल कितना होता है इसका, 30 डिग्री होता है। हो सकता है ये एंगल अलग कर दे चार डायग्राम में। तो ये सब आपको डायमेंशन याद रखनी चाहिए, रेडियस कितनी होती है, हमारा एंगल कितना होता है, ये हाइट कितनी होती है। जब तक ये आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तब तक आप कह सकते नहीं है कि कंप्लीट आपका पेपर में कह सकते हैं हो जाए। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी आपका ये टॉपिक नट जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हेक्सागोनल नट की ड्राइंग को। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेक्सागोनल नट बनाएंगे हम, उसकी अगर बात करें, इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जो है हम ले लेंगे कितनी, चौड़ाई ले लेंगे 1.5D प्लस 3, ठीक। और जो इसकी ऊंचाई लेंगे वो कितनी, h बराबर d, मतलब जो ऊंचाई होगी वो उसके व्यास के बराबर होगी, जो व्यास है इसका d उसके बराबर होगी ऊंचाई, ठीक है। d क्या है इसका, व्यास है। और जो कोण है, यहाँ से जो ऊपर से कोण देख रहे हैं आप, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्या है ये बताएंगे, जो आपका कर्व शेप बनती है इस तरह से, तो जो कर्व शेप है वो 30 डिग्री कोण पर बनती है, वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। इसमें जो डायग्राम बनाएंगे, और इसकी जो रेडियस होगी, जो हम इसमें चाप लगा रहे हैं, जैसे आप सेंटर वाला जो चाप लगाएंगे इसमें, वो चाप कितने रेडियस पर लगेगा, 1.4D पर। तो जो चाप लग रहा है वो लग रहा है 1.4D पर। तो ये डायमेंशन लेके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन हमें याद रखनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे, तब आपका जो फ्रंट से देखने पर यह डायग्राम बनेगा, ठीक, और टॉप से देखने पर यह बनना है। तो टॉप से आप ये देखिए, ये हमारा पूरा एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगी चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान कितना होता है हमारा, 1.5D प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ये वाला मान हो जाएगा 1.5D प्लस 3। लेकिन बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी,
देखो सर्कल आपका यहाँ से जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या इस वाले अंदर वाले सर्कल का व्यास ही तो है यहाँ से यहाँ तक, और जो व्यास है हमारा वो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मतलब ये दूरी एक्स्ट्रा और ये दूरी एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल हम लेंगे 2D। ठीक है, टोटल 2D मतलब ये वाली इसकी जो चौड़ाई होगी ये वाली ये 2D आएगी, और लेकिन जब इसका साइड से देखने बनेगा तो साइड से देखने पर ये वाला डायग्राम बनेगा, और ये वाला इसकी चौड़ाई कितनी हमारी 1.5D+3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं, जो हम नेट बनाएंगे उसके डायमेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर इसके डायमेंशन लिख लेते हैं हम लोग। डायमेंशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे टोटल पहले वो कितनी लेंगे हम, इसकी फ्रंट व्यू की, फ्रंट व्यू की टोटल जो चौड़ाई होगी इसकी 2D होगी। ठीक है, फ्रंट व्यू की जो चौड़ाई होगी टोटल वो टी होगी, 2D होगी, व्यास इसका D मान लिया है। ठीक है, और जो इसकी हाइट होगी वो हमने हाइट मान लेते हैं इसकी, वो D व्यास के बराबर होगी। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें जो रेडियस होगी वो हमारी होगी मान लो 1.4D होगी, रेडियस हमारी 1.4D होगी। ठीक है, रेडियस हमारी 1.4D होगी। और जो कोण होगा हमारा थीटा वो 30 डिग्री होगा सरफेस से। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे तो साइड व्यू में जो चौड़ाई लेंगे वो साइड व्यू में कितनी चौड़ाई आती है हमारी, साइड व्यू में चौड़ाई आती है 1.5D+3, 1.5D+3 आती है। ठीक है, अब डायमीटर को आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। डी हम मान लेते हैं कितना है, डी का मान कुछ भी ले सकते हैं, हम ले लिए हमने 40। ठीक है, 40 mm ले लिया, डी का मान हम ले लिया यहाँ पर 40 mm, और डी का मान 40 ले लेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना आ जाए आपका 80 आ जाए, और ये हाइट कितनी आ जाएगी 40, और ये आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 1.4 × 4 = 16 ये आ जाएगी 56 mm है। ठीक है, ये 56 mm आ रहा है सारा डायमेंशन, एंगल आ रहा है 30 डिग्री, और जो हमारी ये साइड व्यू वाली चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1.5 × 40 + 3, ये कितना हो जाओ 63 mm हो जाओ। ठीक है, अब बनाते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, जिससे बनाने में आपको आसानी होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हल्का दिख रहा है, ठीक है, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखो आप क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं ड्राइंग इसकी। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू अगर बात करें इसकी चौड़ाई कितनी है 80, तो 80 चौड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, 80 ले लेते हैं, ठीक है, 80 हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी 80 चौड़ाई लेने के बाद क्या करेंगे, हाइट करेंगे कितनी, हाइट है इसकी 40, ऊपर से जो हल्के हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि ऊपर हमें कर्व से बनानी, बहुत हल्के हाथ से मिलाएंगे, बहुत हल्के हाथ से। ठीक है, कि सिर्फ आपको ही दिखेगा, बस हल्के हाथ से मिलाना है आपको ऊपर। ठीक है, ऊपर आपको हल्के हाथ से इसलिए मिलाना है क्योंकि आप थोड़ा बहुत मिटा लेंगे इसमें। तो ये आपने बना लिया, सबसे पहले हमने क्या करा, 80 mm की लाइन खींची, फिर हाइट 40 40 की। अब देखो क्या करेंगे, जो व्यास है हमारा सेंटर वाला वो कितना है, 40 होगा, क्योंकि सेंटर का हमने देखो चूड़ी कितनी है हमारी, ये देखिए यहाँ पर ये चौड़ी होगी, इसका व्यास कितना है 40 होगा, तो 40 होगा तो बीच का ये कितना होगा, बीच का जो वाला लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक चौड़ी होगी तो कितने पर होगी, यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ी होगी वो कितने पर होगी, D पर,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर का जो देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन हमें ये बता रही है कि अंदर सतह पे क्या है, चौड़ी है। तो जो अंदर डॉटेड लाइन है कितने पर होती है, टोटल डी है। तो जो हमारी डॉटेड लाइन है होती है उसका व्यास होता है 0.8 डी। तो ये भी लिख देते हैं, जो हमारी डॉटेड लाइन है उसका व्यास कितना होता है, 0.8 डी होता है। तो ये हो जाएगा 32 mm। ठीक है, ये तो आराम से बाद में बना देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सेंटर में हमें क्या करना है, इसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन कहाँ से आ जाएगी, इसका टोटल 8 है तो 4 से सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर भी पॉइंट ले लो, 4 पर आ जाएगा सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट। अब इसे क्या करेंगे, सेंटर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इससे पहले ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो व्यास है बीच में कितना है, 40। तो मतलब दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, क्योंकि टोटल व्यास कितना है, 40 है। यहाँ पर भी इसी तरह से दो इधर और दो इधर। अब इसे आपस में मिला देते हैं, इसे भी इस तरह से मिला देते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हम यहाँ प्रकार का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रकार का यूज करके हम इसका जो ऊपर सेफ होता है कर्व सेफ, ये बनाएंगे। देखो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अगर बात करें इसकी रेडियस कितनी आई थी, रेडियस देखिए आप कितनी है, 56 है। मतलब यहाँ पर पॉइंट रखेंगे 0 पर और कितना ले लेंगे, 56 56 यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रकार को सेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आप लेंगे क्योंकि ये आ रही है 1.4 डी। फिर यहाँ पर यहाँ तक की रेडियस लेके जो पॉइंट आ गया, हम नीचे वाला पॉइंट सेंटर वाली लाइन पर आपने पॉइंट ले लिया, ऊपर से कितनी दूरी पर, 5.6 सेंटीमीटर पर, तो आपने पॉइंट लिया, पॉइंट पर मान रखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे और यहाँ से इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये आपके पॉइंट आ रहे हैं इसी क्षैतिज लाइन में आगे की तरफ पॉइंट लगाएंगे, जो आपके इस वाले भी लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं उसी आगे वाले पे पॉइंट लेंगे, वहीं पर जो यहाँ पर आ रहा है वही आगे वाले पे लेंगे। तो आपको यहाँ से और यहाँ से ये कैसे मिलाना है, ये कर्व शेप में मिलाना है। लेकिन कर्व शेप में कैसे, आपको चांदा यूज़ करना है यहाँ पे, और चांदा यूज़ करके 30 डिग्री एंगल लेना है। तो देखो चांदे का कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर पहले सबसे पहले जो पॉइंट आया हमारा इस तरह से रखेंगे, उस पर जो पॉइंट आया यहाँ पर उस पर हम इस तरह से रख के रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखेंगे, 30 डिग्री पर लाइन हमारी कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है 30 डिग्री यहाँ से इधर है ये। आप क्या करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री की लाइन को मिलाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको जो अभी यहाँ से यहाँ तक को जो कर्व बनाना है वो इससे मिलाते हुए बनाना है, समझ रहे हैं आप। मतलब इसका सेंटर पॉइंट ये आएगा मान लो, तो इससे आपको मिलाते हुए कर्व बनाना है इस तरह से। मतलब ये जो कर्व बनेगा आपका इससे मिलता हुआ बनेगा इस तरह से, बस आपका यहाँ पे, इसलिए हम ये बनाते हैं। तो जो कर्व है यहाँ से ये 30 डिग्री पर झुका होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप 300 भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, कोई भी नाप ये नाप के देखे करेंगे। ठीक है, समझाओ आपको 30 डिग्री ये क्या होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों पेपर अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव आपको पता है, छोटी से छोटी चीज़ भी पूछ सकती है, तो आपसे पूछ लेगा षटभुजा का जो डिग्री होती है उसका जो फेस का एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये आपका कौन सा व्यू बन गया, ये आपका बन गया फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू ले सकते हैं यहाँ पर, इसके डायमेंशन लिख देते हैं। ठीक है, डायमेंशन लिख देते हैं, डायमेंशन की अगर बात करें यहाँ पे कौन सा है, ये व्यास है डी। ठीक, ये व्यास हो जाएगा डी। जो हाइट है यहाँ पर, हाइट क्या है,
ये हाइट जो वो व्यास के बराबर ही है, डी के बराबर है, ठीक है। ये चीज शो कर सकते हो, साथ में इसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है, 1.4 डी। और यहाँ पर आपने डॉटेड लाइन थी अंदर थोड़ी, वो कितने पे थी, ये आया था 0.8 डी, मतलब 32, 16 इधर 16 उधर। ठीक है, 16 इधर और 16 इधर हो जाएगा, और आप इसे मिला देंगे ऊपर की तरफ करके, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो लाइन है आपकी, यहां से इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक की लाइन को हार्ड कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये आपका बन गया, कौन सा व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। इसी तरह से हम कौन सा व्यू बनाना है, इसका इसका साइड व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू में बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसका साइड व्यू में चौड़ाई लेनी है 63 बनानी है। तो इसी रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा हल्के यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइन है वो कितनी खींचेंगे हम, 63। कितनी दूरी पर खींच सकते हो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ले लेते हैं, ये लाइन होगी 63, मतलब 6.3। ठीक है, और इसकी बात करें हाइट तो सेम होगी, तो हाइट सेम होगी, इसे भी आगे बढ़ा देते हैं लाइन को हल्के से, ठीक है। हाइट तो इसके सेम ही है, ये भी ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिला हुआ ही है। और जब इसे साइड से देखते हैं, साइड से देखने पे कैसे दिखेगा ये, एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम इसे साइड से देखेंगे, तो साइड से आप देखेंगे तो जो ये वाली लाइन है वो सेंटर पर दिखेगी आपकी, और ये पूरा क्या दिखेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा। ये वाला हिस्सा भी क्या दिखेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा। लेकिन अब इसमें हम जब इधर से देख रहे थे फ्रंट से, तो एक लाइन यहाँ आ रही थी, एक लाइन यहाँ आ रही थी, लेकिन जब साइड से देखेंगे तो एक लाइन बिल्कुल सेंटर में आएगी, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ये लाइन आएगी सेंटर में, और ये बिल्कुल प्लेन आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ही प्लेन आएगा, जो ये वाली लाइन है वो बीच में दिखेगी। तो इस तरह से बनेगा आपका साइड वाला व्यू। तो बनाते ही तो कहाँ से आएगा, बिल्कुल सेंटर से। तो ये टोटल हमारा कितना है, 63 है। 63 मान लो, चाहे 64 मान लो, इसका आधा कितना हो जाओ, 32 हो जाओ, ठीक है। 32 दूनी 64, तो 3.2 पे ले लो, सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे हम, जैसे उसमें रेडियस कितनी ली थी, सेम यहां पर भी रेडियस उतनी ही लेंगे, ठीक है। यहां पर आप क्या करेंगे, इनके बीच का सेंटर लाइन लेंगे, ये 32 पर आ रहा है, 16 पे ले लो, इसके बीच में सेंटर लाइन ले लेंगे, और इसके बीच में सेंटर लाइन ले लेंगे 16 पे, ठीक है। इस तरह से ये विड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ कर दिया, अब देखिए क्या करना है हमें, ये नीचे बढ़ा देंगे थोड़ा, क्योंकि आपको रेडियस लेनी है। रेडियस कितनी थी आपकी, रेडियस थी 56 थी। रेडियस मार्क कर दे रहा है 56 थी, तो यहाँ से 56 5.6 5.6 यहाँ पर आगे पॉइंट, इस पर निकालते हैं 5.6 यहाँ पर आगे पॉइंट, ठीक है। सॉरी 5.6 यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर आया है, इसका मतलब यहाँ पर रखेंगे आप प्रकार से, यहाँ तक की रेडियस लेंगे और इसे हम मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तक की रेडियस लेंगे, ठीक है, और इसे मिला देंगे।
समझ आया, इस तरह से बन जाएगा। और अंदर के हिस्से पे क्या है ये आप थोड़ा चाहे रफ कर सकते हैं बाद में, करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे रहने दीजिए। और अंदर की सतह पे क्या होगी, ये चौड़ी होंगी, ये तो अंदर की सतह पे चौड़ी होंगी, आपने जैसे उसमें लिया था तो थोड़ी डिस्टेंस है, आप ये रफली कर सकते हैं, ये वाला चौड़ी जो होंगी थोड़ी अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इसका मान होता है वैसे 0.8D होता है, ठीक है, थोड़ा अंदर की तरफ आपने ले लिया। तो ये आपका कौन सा व्यू हो गया, आपका ये हो गया साइड व्यू। ये आपकी चौड़ाई टोटल कितनी है, टोटल जो चौड़ाई है वो है डब्ल्यू स्क्वल टू 1.5D प्लस 3, और जो हाइट है वो किसके बराबर है, व्यास के बराबर ही है, ठीक है, हाइट आपके व्यास के बराबर है। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, इसका इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भरेंगे, प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की रेडियस देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस समझ रहे हैं आप, यहाँ पर रखेंगे प्रकार को और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस देखेंगे, फिर यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट रखकर, पॉइंट कहीं पर भी नहीं बल्कि इसी लाइन को नीचे बढ़ा दो, बिल्कुल सीधे लाइन बढ़ा देते हैं नीचे तरफ। तो आपको क्या करना है, इसी लाइन में कहीं पर एक पॉइंट ले लिया आपने, और वहां से आप क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे बहुत हल्के, यहाँ से ही बाद में रफ करना होगा, ठीक है, बना दिया आपने सर्कल, बन गया आपका, ठीक है। इसका क्या करेंगे, एक एक हॉरिजॉन्टल सेंटर एक्सिस खींचेंगे इसी पॉइंट से, जो सेंटर वाला पॉइंट आया उसी से हॉरिजॉन्टल सेंटर एक्सिस खींचेंगे, ठीक है, सही है। और ये वाला भी लाइन थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्रकार रखना है और यहाँ से जितने रेडियस पे आया था उतने पे आपको पॉइंट लेते हुए चले जाना है, यहाँ से पॉइंट लिया फिर इसी तरह से यहाँ रखा, यहाँ पर पॉइंट लिया, ठीक है, ब्रेथ पे, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ से पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से पॉइंट आ जाओ, और अगला पॉइंट यहाँ से रखेंगे तो वापस उसी पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इन्हें मिला देना है इन पॉइंट को, क्योंकि ये कैसा है षडभुज आकार, तो आपको षडभुज आकार बनाना है टॉप व्यू, तो बनाने का यही तरीका आपको याद रखना है, ठीक है, मिला देंगे इसे। ठीक है, षडभुज बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो बाहर वाला वृत्त है वो आपको रफ कर देना है, तो बाहर वाला वृत्त हमने सिर्फ इसलिए बनाया था कि हमारा षडभुज बन जाए, ठीक है, षडभुज बनाने का ये तरीका है, ठीक है, कोई ज्यादा रफ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काम है, काफी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर लेना है इसका, उस सेंटर पे कोई अंदर की रेडियस लेनी है आपको, जहाँ तक कोई भी सरफेस की, ठीक है, तो जब आप सर्कल बनाएंगे ना तो ये सबको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। अब आपका बन गया ये क्या, षडभुज बन गया। अब इसमें अगर बात करें अंदर के भी जो ब्रेथ होंगे, अंदर के ब्रेथ ले लेते हैं, आपने यहाँ से यहाँ तक बाहर तक का लिया था अभी, अब अंदर की रेडियस ले लेंगे, तो अंदर का जो ये वाला सर्कल है ये भी तो दिखेगा आपको, अंदर का ये वाला सर्कल जब ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा, ये वाला बीच वाला जहाँ चौड़ी बनी हुई है, तो आपको ये भी बनाना है। लेकिन ये वाला जो सर्कल आप बनाएंगे ये पूरा नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम चौड़ी जो बना रहे हैं यहाँ पर चौड़ी शो कर रहा है, तो आपको ये सर्कल पूरा नहीं बनाना है, ठीक है, पूरे नहीं बनाते, इससे मतलब होता है चौड़ी बनी हुई है अंदर, और जो अंदर वाला सर्कल है उसे भी ले लेंगे, उसे पूरा ड्रॉ कर देंगे, अंदर वाले सर्कल को पूरा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, अंदर वाला सर्कल को हमने क्या करा, पूरा ड्रॉ कर दिया, और जो बाहर वाला सर्कल है
उससे क्या करा, कंप्लीट ड्रॉ नहीं करा, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब अंदर चूड़ी नहीं है, और कंप्लीट ड्रॉ नहीं करते हैं तो इस तरह से छोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है अंदर वाले हिस्से में क्या है, चूड़ी है यहाँ पर। तो ये आपका क्या बन गया, टॉप व्यू बन गया आसानी से। डायमेंशन लिख देते हैं इनकी, ठीक है। ये अगर हम बात करें टोटल चौड़ाई कितनी होगी, 1.5D प्लस 3 mm होगी, ठीक है। और जो रेडियस हमारी, रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस वाला सर्कल बाहर ही है, जो बाहर वाला सर्कल है, सॉरी इसका व्यास कितना है, डी है, ठीक है, रेडियस नहीं व्यास, इसका व्यास कितना है, डी है, ठीक है। तो ये आपका ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो आप लिख देंगे यहाँ पर टॉप व्यू, और ये क्या था हमारा, साइड व्यू। तो ये हमारे तीनों व्यू बन गए इसमें, ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और इसके टॉप व्यू, किसके हैं, षटभुजाकार हेक्सागोनल नट के, ठीक है, हेक्सागोनल नट के हमारे ये सारे व्यू बन गए। इसे एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी डायमेंशन लेनी है। डायमेंशन आपको याद रखनी है, जो हम फ्रंट व्यू बनाएंगे उसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 2D लेंगे, हाइट जो होगी उसका वो उसके ब्यास के बराबर होगी, जो ब्यास जो हमारा इंटरनल चूड़ी जो बनी होती है उसका नॉमिनल ब्यास होता है डी। रेडियस हमारा जो होगी, रेडियस होगी 1.4D, जो हम स्लोप इसमें कर्व बना रहे हैं वो 1.4D बनेगा। थीटा जो होगा, जो हमारा स्लोप बनना है यहाँ पर, कर्व बनना है, वो 30 डिग्री पर झुका होगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर साइड व्यू में जो चौड़ाई लेंगे वो 1.5D प्लस 3 लेंगे। यहाँ पर डी का मान हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, हमने 40 मान लिया, 40 mm मान लिया, ठीक है। 40 mm मानने पर हमने सबके मान निकाल लिए यहाँ पर। फिर हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 2D, तो 2D मतलब 80 mm की लाइन खींची, यहाँ पर 2D की लाइन खींची। उसके बाद क्या करना है, 80 mm को उसका सेंटर लाइन लेना है, और सेंटर लाइन लेने के बाद सेंटर जो आएगा 4 पे आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इंटरनल व्यास लेना है आपका 40 mm का, मतलब दो इधर दो इधर। तो आपको एक यहाँ पर इंटरनल, आपको एक क्या करना है, ब्यास बनाना है यहाँ पे इंटरनल आपको थ्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं आप, इसमें एक यहाँ से सेंटर लाइन पर आप रेडियस ले लेते हैं कितनी, 1.4D यहाँ पर रखते हैं प्रकार, यहाँ से ये मिला देते हैं। मिलाने पर आपको ये बन जाता है अंदर वाला से, और ये वाला आपको इस तरह से मिलाना है। तो मिलाने के लिए आप क्या करते हैं, आप वैसे 300 मिला सकते हैं, सेंटर पर आपका ये वाला इस तरह से कर्व होना छू के जाना चाहिए बस। तो आप 300 मिला सकते हैं, एंगल ले देना बस 30 डिग्री, कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो ये कैसे बना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहे नाप, वैसे प्रोसेस क्या है आपको, यहाँ पे 36 से 30 डिग्री एंगल पर चांदे से आपको लाइन लेनी है। उस लाइन के आधार पर क्या करना है, उस लाइन से छूते हुए आपको कर्व बनेगा। तो इसी तरह से सेम कर्व यहाँ बना देना है, और कर्व बनने के बाद इसके इंटरनल जो थ्रेडिंग है उसके लिए आपको एक लाइन बनानी है। उसके अंदर का जो ब्यास होता है वो कितना होता है, ये होता है 0.8D, मतलब टोटल ब्यास था डी, इसके अंदर वाला जो ब्यास होता है चूड़ी वाला 0.8D होता है। 0.8D लेने पर आप इसे मिला देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा इसका फ्रंट व्यू। फिर इसका साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू में हम जो साइड से देखते हैं, तो साइड से देखने पर इसका हम कह सकते हैं जो चौड़ाई बनती है वो बनती है इसके 1.5D प्लस 3। तो आप 1.5D प्लस 3 मतलब 63 mm की लाइन खींच देंगे इसी के बराबर, इसी को आगे बढ़ा दिया, फिर इसमें इसी क्या करा, 1.5D प्लस 3 mm की लाइन काट ली, फिर इसी को आगे बढ़ा दिया, इसमें 1.5D प्लस 3 mm की लाइन काट दी, और जो हाइट है वो इसके बराबर ही रहेगी दोनों जगह। उसके बाद करा सेंटर लाइन ली आपने, सेंटर लाइन लेने के बाद आपने क्या करा, इसकी भी सेंटर लाइन ली, इसकी भी सेंटर लाइन ली, और सेंटर लाइन से आपने जो रेडियस यहाँ ली थी 1.5D वो रेडियस यहाँ ली, और वहाँ से प्रकार रख के इस तरह से कर्व मिला दिया, इस तरह से यहाँ मिला दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर, और यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है वो शेडेड, वो थोड़ी डार्क कर लेंगे आप, ठीक है, जो सेंटर टू सेंटर की लाइन होती है वो डार्क कर लेते हैं हम, क्योंकि मेन आपका यही है मैन सेंटर लाइन। तो ये डार्क कर ली, ये हमारा बन गया कौन सा, साइड भी बन गया। फिर टॉप भी बनाने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ली, और रेडियस का लेने के बाद यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वो नीचे तरफ ड्रॉ करी, उसी लाइन पे एक सेंटर पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट लेके हमने ब्रथ को ड्रॉ करा। अब वो ब्रथ सिर्फ इसलिए लिया कि हेक्सागोनल सरफेस बन सके। तो उसमें क्या करा, फिर यहाँ पर हमने प्रकार रख के जो ब्रथ बना है हमारा वो वहाँ, उसका हमने एक क्षैतिज एक्सिस भी बनाई, क्षैतिज एक्सिस से हमने क्या करा, जहाँ पे यहाँ काट रहा है फिर यहाँ पर प्रकार रख के, प्रकार आपको क्या कहाँ रखना है, यहाँ पर रख के स्टार्ट करना है, यहाँ पर रख के जो रेडियस थी आपकी उस तरह से चाप लगाते जाना है, आपको वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है, चाप लगाते लगाते। फिर उन सभी पॉइंट को आपको मिला देना है, फिर आपको बन जाएगा हेक्सागोनल, और जो बाहर का ब्रथ होता है उसे क्या कर देते हैं हम,
रफ कर देते हैं बाहर वाले को। बाहर वाले को रफ करने के बाद जो अंदर का हमारा हेक्सागोनल बन गया है, इसके सेंटर पर रख के कहीं की एक फेस की भी कोई रेडियस लेके पूरा वृत्त बना देते हैं। फिर अंदर का वृत्त कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेके अंदर का वृत्त बना देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेके ये वाला अंदर वाला वृत्त बना देते हैं, जिसमें बाहर वाला वृत्त हम पूरा नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे पूरा बनाएंगे तो यहाँ पे चूड़ी नहीं होंगी, लेकिन आधा वृत्त बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे चूड़ी है। ठीक है, इस तरह से ये आपको बन जाता है टॉप व्यू।